हम लोग आज लर्न करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में. स्विच केस या स्विच केस डिफॉल्ट हम इसको करेक्टली बोलेंगे. तो गाइस, स्विच केस डिफॉल्ट को प्रोग्रामिंग में लर्न करने से पहले हम एक रियल लाइफ एनालॉजी को समझते हैं, हमारी रियल लाइफ से इसे रिलेट करते हैं. तो गाइस, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है रियल लाइफ के अंदर जब हमें केवल दो ऑप्शन में से सेलेक्ट करने की बजाय बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होती है, उनमें से किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करना होता है. फॉर एग्जांपल, जब हम ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज सेलेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होती है, उनमें से हम कौन सी कॉलेज में एडमिशन लें ये हमें डिसाइड करना होता है. इसी तरह से हम लंच के लिए होटल में खाना खाने होटल में जाना चाहते हैं, किस होटल में हम जाए. एंड इन दोनों से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग When it comes to marriage, कि एक perfect person से किस तरह से हम लोग शादी करें, कौन हमारे लिए best match होगा. So same यही situation हमारे साथ C programs में भी आती है जब हमारे पास केवल एक या दो conditions जो alternate की form में है उनकी बजाय बहुत सारे options available होते हैं. In that case हम लोग use करेंगे C language में switch case का. So हम इसको इस तरह से define कर सकते हैं C को, switch case को. The control statement that allows us to make a decision from the number of choices is called a switch or more precisely switch case default statement. So C language के अंदर ऐसा control statement जो हमें multiple choice में से किसी एक choice को select करने की facility देता है उसको हम बोलते हैं switch या switch case default statement. We use switch, comma, case and default keywords in the switch construct. Okay guys, so इसका जो basic syntax होता है that is switch में हम कोई expression लिखेंगे या कुछ variable लिख सकते हैं. Then, हम लोग केस कीवर्ड की हेल्प से केस बनाएंगे, उसके साथ में कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होगी. देन हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उसके बाद होगा हमारा ब्रेक. केस और ब्रेक के बीच में एक या एक से ज्यादा कितने भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. इसी तरह से हम यहाँ पे एन केसेस यूज कर सकते हैं जो कि हमारी अलग अलग चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे अलग अलग ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके गाइज, केस वैल्यू टू एंड सो ऑन, कितने भी केसेस हो सकते हैं. यूजुअली एट लास्ट हम लोग यूज करते हैं डिफॉल्ट का एंड उसके बाद में स्टेटमेंट. नाउ हाउ इट वर्क्स, देखिए स्विच में जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है या जो हमने वेरिएबल लिखा है इसकी वैल्यू जिस केस की भी वैल्यू के इक्वल होगी उस केस के स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे और बाकी केसेस हमारे इग्नोर हो जाएंगे. इन दैट केस यहां जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है या वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू अगर किसी भी केस की वैल्यू के इक्वल नहीं होती है तो लास्ट में जो हम डिफॉल्ट लिख रहे हैं इसके स्टेटमेंट जो है हमारे वो रन हो जाएंगे. ओके गाइस, प्रेटी सिंपल. तो आइए देखिए एक सिंपल हम प्रोग्राम जो है वो स्विच केस के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखते हैं. देन प्रोग्राम के बाद हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे स्विच केस के लिए. So, प्रोग्राम है हमारा कि सिंपल हमें डे कोड इनपुट देना है एंड डे का नेम जो है वो प्रिंट करना है. So, प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट डे कोड एंड प्रिंट नेम ऑफ द डे. डे कोड जो हमें इनपुट देना है दैट इज 1 to 7 और 1 to 7 का मतलब है मंडे टू
संडे में, वन अगर हम इनपुट देते हैं तो मंडे प्रिंट होना चाहिए, टू अगर हम इनपुट देते हैं तो ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए, थ्री अगर हम इनपुट देते हैं तो वेडनेसडे प्रिंट होना चाहिए, एंड सो ऑन, सेवन अगर हम इनपुट देते हैं तो संडे प्रिंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इंक्लूड कराते हैं stdio.h को, क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करने हैं। देन हम मेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये हमने क्रिएट कर दिया, एंड रिटर्न जीरो। कूल गाइस, नाउ हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया डे कोड नाम से, इसमें हम वैल्यू रीड करें। सबसे पहले हमने यूजर को प्रिंट प्रॉम्प्ट किया, एंटर डे कोड, एंड मैसेज में हमने प्रिंट करा दिया कि भाई 1 से 7 के बीच में ही दो। ओके, नाउ हमने स्कैनफ का यूज किया, इससे हमने डे वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवा दी। उसके बाद हमने स्विच लगाया और यहाँ पे स्विच कर लिया हमने किसको, डे वेरिएबल को। देन यहाँ हमने केस वन बनाया, केस वन का मतलब अगर डे की वैल्यू वन है तो इस केस के बाद वाला स्टेटमेंट रन होगा, और अगर डे की वैल्यू वन है तो प्रिंट क्या करवाना है हमें, मंडे। तो हमने मंडे डाल दिया, उसके बाद में ब्रेक। इसी तरह से एक लाइन में भी लिख सकते हैं, हमने बाद में जब मैं आपको समझाऊंगा उस टाइम पे दिक्कत ना आए इसके लिए मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ सारे केसेस, एक लाइन में एक केस कर रहा हूँ मैं कंप्लीट। इसी तरह से केस टू, मतलब अगर डे की वैल्यू, डे वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी डे कोड है वेरिएबल, डे कोड वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने दी है टू, तो ये वाला केस रन होगा। यहाँ हमने क्या प्रिंट करवाया, ट्यूजडे। इसी तरह से हम पेस्ट कर लेते हैं 7 बार, दिस विल बी केस 3। यहाँ पे हम कर देते हैं वेडनेसडे, यहाँ पे हम कर देते हैं थर्सडे, एंड ये हो जाएगा केस 4 हमारा, ये केस 5, ये केस 6, केस 7। केस 5 जो है उसमें हमने कर दिया फ्राइडे, केस 6 जो है उसमें हमने कर दिया सैटरडे, एंड केस 7 जो है उसमें हमने प्रिंट करा दिया संडे। एंड डिफॉल्ट जो पार्ट है उसमें हमने डाल दिया रॉन्ग कोड एंटर्ड, कोड मस्ट बी बिटवीन 1 to 7। ओके गाइस, सेव कर लेते हैं इसे। नाउ इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, रन करवाते हैं। इसकी विंडो जो है इसको मैं छोटा कर लेता हूं ऑलरेडी। ओके गाइस, नाउ इसे हम रन करते हैं। वेल, रनिंग फाइन। इस विंडो को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से छोटा करके हम कोड के पैरेलल लाते हैं इस विंडो को, जैसा कि हम करते हैं हमेशा से। नाउ देखिए, एंटर डे कोड, ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हुआ लाइन नंबर 5 वाला, उसके बाद में स्कैन एफ चल रहा है तो वो इनपुट के लिए वेट कर रहा है। डे कोड सपोज मैंने डाला 5, तो ये 5 जो वैल्यू वो किस वेरिएबल में गई, इस डे कोड वेरिएबल में। देन स्विच में डे कोड की वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 5। तो अब हमारा कौन सा केस एग्जीक्यूट होएगा, वो केस एग्जीक्यूट होएगा जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है। तो लाइन नंबर 13 वाला जो केस है वो रन होगा, प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंट करेगा फ्राइडे। उसके बाद में हमने ब्रेक लगाया है, ब्रेक कीवर्ड क्या कर रहा है, स्विच केस के स्टेटमेंट को रन कराने के बाद कंट्रोल को स्विच केस से बाहर ले जा रहा है। तो जैसे ही ये फ्राइडे प्रिंट करेगा उसके बाद ब्रेक रन होने से कंट्रोल जो है स्विच केस के बाहर चला जाएगा। अगर यहां पे हमने ब्रेक को नहीं लगाया होता तो उस केस में क्या होता, जो केस की वैल्यू मैच हुई वो तो रन होता ही, उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है केस में वो भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाता, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता जब तक या तो ब्रेक ना आ जाए या स्विच केस के अंदर जितने भी केसेस थे इंक्लूडिंग डिफॉल्ट वो सारे के सारे हमारे एग्जीक्यूट ना हो जाए। लेकिन अभी यहाँ पे मैं 5 इनपुट दूंगा तो डायरेक्ट केस 5 रन होगा और ब्रेक से कंट्रोल स्विच केस के बाहर चला जाएगा, तो आउटपुट आएगा केवल फ्राइडे। ओके गाइज,
इसी तरह से सपोज एक बार मैंने और एग्जीक्यूट किया इसे एंड इसे मैं एक बार रिसाइज करता हूं, यहां देखिए इस बार केस वैल्यू दी मैंने 6, तो डायरेक्ट कौन से केस पे जाएगा, केस नंबर 6 पे। ओके गाइस, तो डायरेक्ट केस 6 पे आया, सैटरडे प्रिंट किया, ब्रेक करके बाहर निकल गया। एक बार और हम इसे रन करते हैं, नाउ मैंने एक ऐसी वैल्यू दी जो इस केस के अंदर नहीं है। सपोज मैंने 10 दिया तो ये किसी भी केस की वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, डायरेक्ट डिफॉल्ट पे जाएगा एंड डिफॉल्ट में जो हमने प्रिंट टैब दिया था उसमें लिखा था रॉन्ग कोड एंटर्ड, कोड मस्ट बी बिटवीन 1 to 7, वो मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। कूल गाइस, तो ये तो हमारी बेसिक वर्किंग थी। देन हम इसकी वर्किंग को अगर एक्सप्लेन करें, ये जो हमारा वेरिएबल है जो हमने इस पैरेंथेसिस में लिखा है, इसको हम बोलते हैं स्विच्ड वेरिएबल, स्विच किया गया वेरिएबल। ओके गाइस, थोड़ा सा स्पेस बनाऊं, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम लिख लेते हैं कैसे काम करता है, आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगी। द वैल्यू द स्टेटमेंट ऑफ दैट केस आर एग्जीक्यूटेड हूज वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ स्विच्ड वेरिएबल, यानी कौन से केस के स्टेटमेंट हमारे रन होंगे जिस केस की वैल्यू स्विच किए गए वेरिएबल के मान के बराबर है। सेकेंड थिंग, ऑल द केस वैल्यूज मस्ट बी कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, जितनी भी केस वैल्यूज हैं वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए या फिर कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं हो सकती है। इस पॉइंट को हम प्रैक्टिकल से समझ लें, जैसे सपोज हम 1 जो लिख रहे हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 1, तो ये कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह से 2 को हम 4/2 लिख सकते हैं, ये भी कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन है। ओके गाइज, जैसे हमने 2 इनपुट दिया तो डायरेक्ट ट्यूजडे आया आउटपुट। ओके, लेकिन हम लोग वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं रख सकते, केस वैल्यूज कैन नॉट बी वेरिएबल एक्सप्रेशन। वेरिएबल एक्सप्रेशन का मतलब है जिसका रिजल्ट चेंज हो सकता हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए, उसकी वैल्यू मैंने कर दी 4। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे a/2 लिखता हूं, अभी तो हालांकि 2 आएगा उसका मान, लेकिन स्टिल ए वेरिएबल है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ऑब्वियस है। अभी हुई या नहीं हुई डजंट मैटर, लेकिन हो तो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल एक्सप्रेशन। तो वेरिएबल एक्सप्रेशन अगर हमने रखा तो उस केस में क्या आएगी, सिंटेक्स एरर आएगी। लेट्स सी, ये देखिए ठीक है, और यहां पे एरर क्या दे रहा है, केस लेबल डज नॉट रिड्यूस टू एन इंटीजर कॉन्स्टेंट। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा इस चीज का। थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, केस वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर कॉन्स्टेंट, केस वैल्यू का इंटीजर कॉन्स्टेंट होना जरूरी है, किसी और तरह की वैल्यू नहीं हो सकता है ये। जैसे सपोज यहां पे मैंने एक्सप्रेशन जो था केस वैल्यू का वो 2.0 कर दिया। ओके गाइस, ये a बराबर 4/18 इसकी नीड नहीं है, हमें पिछले एग्जांपल में देखा था भी हमने। अब अगर मैं इसको 2.0 करता हूं तो ये हमें सिंटैक्स एरर देगा, और एरर वही आई, केस लेबल डज नॉट रिड्यूस टू एन इंटीजर कॉन्स्टेंट, ये एरर मैसेज आप देखिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल द केस वैल्यूज मस्ट बी यूनिक टू केसेस कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज।
यानी कि जो केस वैल्यूज है वो यूनिक होनी चाहिए, दो केसेस की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, अगर आप सेम रखेंगे तो वो आपकी एरर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस केस की वैल्यू मैंने 1 रख दी और ऊपर वाला केस भी क्या है 2-1 यानी कि 1 ही है, तो अभी भी ये क्या देगा हमें सिंटैक्स एरर। और एरर क्या आ रही है देखिए, डुप्लीकेट केस वैल्यू, यहाँ देखिए यहाँ जहाँ मैंने कर्सर से क्लिक किया है, माउस से क्लिक किया है, डुप्लीकेट केस वैल्यू एंड सेकंड एरर प्रीवियसली यूज्ड हियर, ये बता रहा है लाइन नंबर 9 जो है उस पर ऑलरेडी ये वैल्यू यूज कर चुके हैं और लाइन नंबर 10 पे जो हमारी है वो डुप्लीकेट केस वैल्यू है। ओके गाइज, तो केस वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। एक और चीज, ब्रेक स्टेटमेंट ट्रांसफर्स द कंट्रोल आउटसाइड स्विच आफ्टर एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द केस। ये केस जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या करता है, हमारे केस के स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद कंट्रोल को स्विच केस से बाहर ट्रांसफर करता है इफ वी डू नॉट यूज ब्रेक देन कंट्रोल विल नॉट बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड स्विच केस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द केस स्टेटमेंट and all the cases including default followed by that case are executed until a break is not encountered। ओके गाइस, तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, स्विच केस से बाहर कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहा है किसी भी केस के स्टेटमेंट को रन कराने के बाद। अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया तो कंट्रोल स्विच केस से बाहर नहीं जाएगा और उस पर्टिकुलर केस के बाद जितने भी केस आए हैं इंक्लूडिंग डिफॉल्ट, डिफॉल्ट समेत, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे अंटिल बीच में कोई ब्रेक स्टेटमेंट अपीयर नहीं हो जाता है। आइए इसे भी समझते हैं प्रोग्राम पर। जैसे देखिए यहां पे जो ब्रेक है उसको मैंने एक ब्लैंक स्पेस से रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ओके गाइस, एक स्टेटमेंट 2-3-4-5 कितनी भी सेमीकोलन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सेमीकोलन पड़ा रहने देते हैं। अब देखिए, सपोज मैंने केस की वैल्यू दी 1, तो केस 1 तो रन हो गई, 1 के बाद में ब्रेक नहीं है यहां पे। ये देखिए ब्रेक हमने हटा दिया था यहां से। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा केस 1-2-3-4-5-6-7 एंड डिफॉल्ट सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ओके, दूसरा एक बार इसे हम एग्जीक्यूट करके देखें, इसको मैं मिनिमाइज करूं, कोड आपके सामने रखता हूं, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे इसे। नाउ मैंने केस वैल्यू दी 5, तो डायरेक्ट कहां जाएगा, केस 5 पे, और उसके बाद अब देखिए उससे ऊपर वाले रन नहीं होंगे, डायरेक्ट जिस केस पे गया वो और उससे आगे वाले ही रन होंगे अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया है तो। और कब तक रन होंगे, जब तक ब्रेक ना आ जाए या स्विच केस पूरा खत्म ना हो जाए। तो जैसे ही मैं 5 दूंगा केस 5 रन होगा, केस 6 रन होगा, केस 7 भी रन होगा और डिफॉल्ट भी रन हो जाएगा। तो फ्राइडे सैटरडे संडे एंड रॉन्ग कोड एंटर्ड, ये सारे के सारे प्रिंट हो गए। ओके गाइस, अब जो मैंने चेंजेस किए थे वो अंडू कर रहा हूं, वापस ब्रेक लिया तो कंट्रोल जेड आप दबाते जाए अंडू होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, देखिए थोड़ा स्पेस बना रहा हूं ना, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी, दैट इज डिफॉल्ट कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग और मिडल और एट एनी प्लेस इनसाइड स्विच, बट रिमेंबर to use break after default if
इट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग और इन द मिडल. ओके, डिफॉल्ट कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग और मिडल और एट एनी प्लेस इनसाइड स्विच. डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं, हमने सिंटैक्स में देखा था, लास्ट में लिखा था, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है. आप स्विच की शुरुआत में भी उसे लगा सकते हो, स्विच में कहीं बीच में भी आप उसे लगा सकते हो. लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आपने डिफॉल्ट को स्विच के अंदर बीच में लगाया है या शुरुआत में लगाया है, तो आप उसके बाद में ब्रेक को यूज करना ना भूलें. अगर आप ब्रेक को यूज नहीं करेंगे तो उस केस में वही सेम काम होगा, जब डिफॉल्ट रन हुआ तो उसके बाद वाला केस भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. कब एग्जीक्यूट हो जाएगा? जब आपने डिफॉल्ट को बीच में लगाया और उसके बाद में ब्रेक नहीं लगाया हो. आइए इसे भी प्रैक्टिकल पे देखते हैं. ये जो हमारा स्टेटमेंट है डिफॉल्ट वाला, इसे उठा करके मैं ले गया केस थ्री से पहले. ठीक है, तो केस थ्री से पहले क्या है हमारे पास? डिफॉल्ट भी आया हुआ है और डिफॉल्ट के बाद हमने ब्रेक नहीं लगाया है. देखने वाली बात यह है यहाँ पे. तो अब जब मैं डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगा रहा हूं, उस केस में क्या होगा? जब भी डिफॉल्ट रन होगा तो उसके बाद केस थ्री भी रन होगा, और केस थ्री के बाद में ब्रेक लगा हुआ है तो उसके बाद अपना कंट्रोल स्विच से बाहर आ जाएगा. लेट्स सी. देखिए, अगर कोई भी केस वैल्यू मैंने दी एक से सात के बीच में, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे फाइव दिया, फ्राइडे प्रिंट हो गया. फोर दिया, थर्सडे प्रिंट हो गया. वन दिया, मंडे प्रिंट हो गया. सेवन दिया, संडे प्रिंट हो गया. बट जब मैंने यहां पे ऐसी केस वैल्यू दी जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो रॉन्ग कोड एंटर्ड मस्ट बी बिटवीन वन टू सेवन, और उसके बाद में जो हमारा डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट था वो भी देखिए रन हो रहा है. ये डिफॉल्ट भी रन हो रहा है और उसके बाद प्रिंट एफ जो है केस थ्री वाला वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके गाइस, एट पॉइंट, वी कैन यूज स्विच केस विद इंटीजर्स कॉमा कैरेक्टर्स एंड इनम वैल्यूज बिकॉज बोथ कैरेक्टर एंड इनम कैन बी रिड्यूस टू सॉरी कैन बी कन्वर्टेड इंटू इंटीजर. ठीक है, स्विच केस जो है उसे इंटीजर कैरेक्टर और इनम वैल्यूज के साथ में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर और इनम दोनों ही जो है उन्हें हम इंटीजर में चेंज करवा सकते हैं. ओके गाइज, बट स्विच केस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन रियल वैल्यूज एंड स्ट्रिंग्स. लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारा स्विच केस है उसे हम रियल वैल्यूज और स्ट्रिंग्स पे यूज नहीं कर सकते हैं. अगर आप रियल वैल्यूज या स्ट्रिंग पर स्विच केस लगाते हैं, दैट मींस अगर स्विच्ड एक्सप्रेशन जो है उसका मान, ये था हमारे पास स्विच्ड एक्सप्रेशन, इसका मान अगर आपने रियल या स्ट्रिंग रखा तो सिंटैक्स एरर है, या किसी भी केस वैल्यू का मान आपने रियल या स्ट्रिंग रखा तो भी सिंटैक्स एरर है. सो गाइज, होप सो आप लोगों को इजीली स्विच केस जो है वो समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आपकी कोई क्वेरी होती है, देन आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज जो है उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं. अगर इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के अंदर या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके बताइए कि क्या चीज़ हम इम्प्रूव करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़.